अब देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद अब जो हमारा टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ये भी बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं इसकी एग्जाम्पल लिख के समझाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो डेफिनेशन है ये इस तरह से है, इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच, काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय सिंगल एटम। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, है तो शेयरिंग ही, बट दो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ही एटम शेयर करेगा। जरा डेफिनेशन देखिए फिर से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय सिंगल एटम। अब जैसे ये लिख दिया ना, तो ये अभी भी समझ नहीं आएगा, इसको जब मैं अब आपको इसको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे O3 है, मैंने बोला O3 की आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, है ना, जैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे बना के मुझे बताइए। तो आप देखिए आप कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन O3 मतलब तीन बार ऑक्सीजन है, तो हम तीन बार ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम इसके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप ये देखिए, ये तीन ओजोन मीन्स O3, एंड O3 में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनके 6 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब हम इनकी शेयरिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपको हमने डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब जाना है। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से 2 ले लेगा, तो इस ऑक्सीजन के कितने हो गए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक करो, ये हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये वाला कहता है कि मैंने 2 दिए, मुझे भी 2 दे दो, इसके भी 8 पूरे हो गए, यानी इस वाला ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। बट जो ये थर्ड ऑक्सीजन है, क्या इसके 8 पूरे हुए, देखो जरा क्या हुए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं। अब अगर ये वाला ऑक्सीजन इसको बोलेगा कि तुम मुझे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, और इसको तो चाहिए नहीं क्योंकि इसके तो ऑलरेडी 8 हैं, इसको तो चाहिए नहीं ना। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन पढ़िए, इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय सिंगल एटम। अब देखो यहाँ पे यही सिचुएशन है, यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, 2 दिए 2 ले लिए, यहाँ पे इसके 8 पूरे हैं, यानी इस वाले सेंटर वाले ऑक्सीजन को इसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत नहीं है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 2, अगर ये इसके साथ शेयर हो जाए तो इसका 8 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझो, मैं अगर ऐसे एक लाइन लगा दूं, ये ऐसे एरो हेड बना दूं, ऐसे एरो हेड बनाया तो इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये मतलब क्या है कहने का, कि इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इधर बना हमारा कोवलेंट बॉन्ड और इधर बन गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इस एटम ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई, सिंगल एटम इज शेयरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो ऐसे एरो लगा देते हैं साथ में, अगर आपने कहीं पे रिप्रेजेंट करना है ना कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आप ऐसे एरो लगा दो, बट जनरली ये लगाते नहीं है, जनरली हम इस तरह से लिख देते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और ये इसके जो लोन पेयर हैं वो आप शो कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है। तो जनरली हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं होती, बट अगर वो बोलते हैं कि भी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आप इस तरह से एरो बना दीजिए, जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और डेटिव बॉन्ड है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, इस तरह से एरो लगा दी जाती है उसकी डायरेक्शन में। कब लगाएंगे, जब वो पूछेंगे कि भाई शो करो, नहीं तो अदरवाइज आप बिल्कुल ऐसे ही शो करेंगे। गॉट इट, चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए, और डाउट है तो बोलिए बेटा जल्दी। बॉन्ड पढ़ा, इस जो हमने बॉन्ड पढ़ा, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, बट इन विद दिस
बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय सिंगल एटम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इस ऑक्सीजन ने यहाँ से दो शेयर किए, इसने यहाँ से दो शेयर किए, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके भी आठ पूरे हैं, इसके भी आठ पूरे हैं, तो अब ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है ना, ये अगर अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दे, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ना ले, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और इसको आप इस तरह से एरो लगा दो, और नॉर्मल जब एरो जब वो पूछेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब शो करो, नहीं तो नॉर्मली हम ऐसे बना देते हैं, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह दिखाते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, बस डिनोशन देनी हो तो आप ये एरो हेड लगा देंगे, तो वहां पे क्लियर हो जाता है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और ट्राई करते हैं, देखो एक और ट्राई करते हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारी एक और NH4+। अब आप इसको समझिए, NH4+। अब सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे सेंटर एटम कौन है, बताइए बेटा, विच इज अ सेंटर एटम हेयर? नाइट्रो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो कभी भी नहीं होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी नहीं होंगे सेंटर एटम, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और जो रिपीट नहीं हो रहा वो सेंटर एटम है। अब देखो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, इतने बोलिए, नाइट्रोजन के लास्ट बाय शेल में फाइव होते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो लास्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन हुए, ये आपको पता ही है, तो हम यहाँ पे फाइव इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने हाइड्रोजन दिखाए हैं मैंने यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन, 4, तो वन हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन, और एक फोर्थ हाइड्रोजन है। फोर्थ हाइड्रोजन का मतलब है कि प्लस है, साथ में एक प्लस है, याद रखना। तो मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल दूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लस। प्लस का मतलब है कि एक एच के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होता है, तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी दो पूरे, मतलब पूरे आठ हो गए। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस का मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया, तो ये अपने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके दे दे तो इसके भी पूरा हो जाएगा, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, और कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड बन गया, अगर ये अपने दोनों ही यहाँ पे शेयर कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन के भी दो पूरे हो जाएं, इसके आठ तो पूरे ही हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बोलो बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको सिंपलीफाई हम इस तरह से करेंगे, एन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये आ गया एच, ये आ गया एच, ये आ गया एच, और ये आ गया एच, और इस तरह से हम एरो डाल के इसके ऊपर लिख देंगे प्लस। प्लस का मतलब है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेना, तो मैंने इस हाइड्रोजन का शो नहीं किया था। तो जब आप इस तरह से बना देंगे ना, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पता नहीं चलेगा, तो एक्चुअल में ऐसा बनाना है जैसे मैंने रेड कलर में बनाया है, ये आप प्रैक्टिस करते हुए ऐसे बनाए, उसके बाद जब आपको पता चल जाए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी भी पोजिशन पे हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ब्रैकेट में आप लिख के प्लस कर दो, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेना है और इस तरह से बना देना है। चलिए इसको बेटा नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, करते हैं। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इस एग्जांपल को हम लिखते हैं NO2-। तो देखो बेटा प्लस का मतलब होता है NH4+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेना है, और फिर है हमारे पास NO2-, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ा देना है, अगर टू माइनस होगा तो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, गॉट इट ना। अब देखो नाइट्रोजन है सेंटर एटम, अब नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए, कितने इलेक्ट्रॉन होते आई हैं, फाइव, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास टू, वन ऑक्सीजन एंड सेकंड ऑक्सीजन, तो ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ही ब्यूटीफुल बनेगा, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये ब्यूटीफुल नहीं बनेगा, ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं कि मेरे से ना बन नहीं रहा, वो बन क्यों, बनता क्यों नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती, प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, तभी आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आइडिया लग जाता है।
अब इसके लास्ट शेल में, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, यहां भी ऑक्सीजन के लास्ट शेल में मैंने इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब आप देखो क्या करना है, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इरेज करके यहाँ पे लिख दूं, देखो ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ना, इरेज करके यहाँ लिख दिया, तो इस ऑक्सीजन के 8 हो गए पूरे, चेक करो, इस ऑक्सीजन के 8 हो गए पूरे, बोलो बेटा हो गए पूरे ना। अब माइनस है ना नाइट्रोजन पे, ये ओवरऑल माइनस है ना, -1, तो -1 का मतलब है कि जहां पे आपको कम लगेगा वहां पे माइनस लगा देना। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम इसका सर्कल लगाएं इस तरह से, तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए पूरे, ये 4, 7, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देते हैं, जो माइनस वाला इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये रहो माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लगा दिया। अब इस नाइट्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए पूरे, बोलो बेटा 8 पूरे हो गए। अब इसको अगर 8 पूरे करने हैं तो इसको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या इस नाइट्रोजन को भी 2 चाहिए यहाँ से, ये बताइए, चाहिए यहाँ से इस नाइट्रोजन को भी यहाँ से 2 नहीं चाहिए, ये वाला इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना सकता है, अब मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है, कौन सा बॉन्ड बना सकता है ये वाला इसके साथ, ये ऐसे कौन सा बॉन्ड, ऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ओवरऑल चार्ज आ गया हमारा -1। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और ये भी आपका एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करता है। तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो शो हो सकती हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक दो होमवर्क में देता हूं जिसको आप ट्राई करना घर पे करने। देखिए बेटा, द टू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस एज अ होमवर्क, इसमें है हमारा CO3-2 एंड SO4-2। अब इसमें आपका पूरा बहुत बढ़िया से दिमाग लगेगा, और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, H3O+, तो ये हो गए आपके होमवर्क क्वेश्चंस, आप इसको कीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। तो देखो जैसे -2 है, तो -2 का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, तो जब आप डॉट डॉट लगाओगे जहां पे आपको लगे कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं वहां कर लेना, यहाँ पे भी ऐसा ही, यहाँ पे H3O+, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो जब आप डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे जहां पे आपको लगे कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां पे कम कर लो, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घटाना है, कहाँ पे मैंने बढ़ाना है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन।